तो भाई ये देख लो, ये है खस्ता कचौड़ी के साथ जो आप खाते हो ना आलू की सब्जी, वो वाली। और ये वो वाली कचौड़ी नहीं है जो पिट्ठी से बनाई जाती है मूंग दाल की, वो वाली कचौड़ी नहीं है जो पापड़ी वाली होती है ना, वो वाली सब्जी है ये। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये बनाई जाती है, क्या क्या मसाले इसमें डाले जाते हैं। आई एम श्योर आपने ये ज़रूर खाई होगी और काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई अभी हम सीख रहे हैं, जो खस्ता कचौड़ी होती है ना रोड में जो मिलती है मट्टी, उसके ऊपर आलू टमाटर की सब्जी डाल के जो देते हैं, तो वो सीख रहे हैं। आलू टमाटर की सब्जी बनती कैसे है ये देख लो। तेल भैया कितना लिया था यहाँ पे आपने? 150 से 200 ग्राम के बीच, 150 से 200 ग्राम तेल था। एक मुट्ठी इन्होंने जीरा डाला है और उसमें एक मिर्ची का पेस्ट डाला है, अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छा, अदरक मिर्ची है सिर्फ, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है। वो कितना डाला होगा भैया? 50 ग्राम, 20-20 ग्राम अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है इन्होंने इसमें। और आप देख लेते हैं क्या डलने वाला है। और इससे पहले शायद खस्ता मट्टी की वीडियो आ चुकी होगी, तो वो चीज़ आप देख लेना। पहले वो वीडियो अगर आपने नहीं देख लिया तो वो देख लेना, उसके बाद ये सब्जी की ले रहे हैं। तो भैया ने इसमें देगी मिर्च डाली है। देगी मिर्च कितनी डाली थी भैया? तो भैया ने इसमें देगी मिर्च और हल्दी डाली है। भैया देगी मिर्च कितनी डाली थी? एक चम्मच देगी मिर्च डाली थी और हल्दी भी एक चम्मच थी भैया, हल्दी भी एक चम्मच थी। और यहाँ पे डाल दिया 10 रुपये की जो दही का पैकेट आता है ना, वो एक पैकेट भैया ने डाल दिया यहाँ पे पूरा, ये देख लो, ये डाल दिया यहाँ पे दही। और इसमें जो जो चीज़ डलती जाएगी वो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। और ये भैया ने इसमें डाल दिया टमाटर की प्यूरी। भैया ये टमाटर उबले हुए थे, कच्चे थे? उबले हुए। तो उबले हुए टमाटर को आपने क्या करना है, पहले उनको थोड़ा सा पानी डाल के उबालना है, फिर मिक्सर में पीस देना है। और कितने किलो टमाटर का होगा भैया वो? आधा किलो टमाटर था वो। और यहाँ पे भैया ने आधी मुट्ठी नमक डालना है, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कम या ज़्यादा। और भैया कितने लोगों के हिसाब से ये बन रहा है, कितने किलो आलू का बन रहा है ये? एक किलो आलू का बन रहा है। और यहाँ पे भैया ने डाला है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। और 1 किलो आलू के हिसाब से ये बना रहे हैं। 1 किलो आलू आपको बॉईल करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ग्रेवी। और ये यहाँ पे डाल दिए 1 मुट्ठी देगी मिर्च जिसको क्रश कर दिया है। और यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो ये देख लो यहाँ पे 1 किलो आलू बॉईल करे थे जिसको अच्छे से मैश कर दिया भैया ने। और अब इसको डाल देंगे हम इसमें जो ग्रेवी बनाई थी, इसमें क्या क्या मसाले डाले थे, कितनी क्वांटिटी में डाले थे वो आपने देखे थे, ये डाल दिया है। और ये मैं आपको बता दूं कौन सी आलू सब्जी है, ये वो वाली आलू की सब्जी है जो आपने रोड में खाई होंगी ना, खस्ता कचौड़ी के साथ जो मिलती है पापड़ी टाइप की जो कचौड़ी होती है मट्ठी होती है, उसके ऊपर आलू की सब्जी डाल के देते हैं, वो है ये। और पानी कितना डाला भैया आपने इसमें? 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया भैया ने। और इसका टेस्ट देखना बिल्कुल, आप घर में बना के देखना, बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे रोड साइड आप खाते हो ना खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। इसके ऊपर बस आप थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल देना और नींबू डाल देना, चाट मसाला डाल देना, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो आप रोड साइड में खाते हो। तो चलिए इसे पकने देते हैं भैया। और कितनी देर पकेगा अभी ये? कितनी देर? किचन किंग लगा रहा हूँ। अच्छा भैया डाल रहे हैं इसमें किचन किंग। ये कितना डाला भैया? एक चम्मच डाला भैया ने। और चम्मच ना थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, तो ये उस हिसाब से बता रहे हैं। घर के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो 2 चम्मच किचन किंग था और 1 चम्मच गरम मसाला था। ये उबाल आ जाएगी, उतर जाएगी। अच्छा अब इसमें उबाल आने देंगे इसको, उसके बाद भैया कह रहे हैं बनके रेडी हो जाएगा। फिर भी कितनी देर तक पकाएंगे भैया इसे? 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट? 5 मिनट तक इसको पकाना है, उसके बाद ये बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देख लो भाई, खस्ता कचौड़ी की जो सब्जी थी जो हम बना रहे थे उसमें उबाल आ चुका है अच्छे से। इसको पकने देंगे 1-2 मिनट तक और ऐसी इसमें उबाल आता रहेगा, थोड़ी गाढ़ी ये होती रहेगी ताकि इसका टेस्ट अच्छे से आए, निखर कर आए। तो ये देख लो हमारी खस्ता कचौड़ी की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।